वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप अच्छे होंगे सारे। तो अपन ने अपना चैप्टर, एक नया अध्याय अपने यूट्यूब चैनल का शुरू कर लिया है। एक वीडियोस आ चुकी है पहले, और अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे उस चैप्टर को। इंट्रोडक्टरी वीडियो था वो, कि उसके अंदर क्या है। अपना चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो इंडिया के बुक है, तो इंडिया के पर्पज से हम इसको पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर क्या होती है, मतलब किसी भी प्रोसेस से, किसी भी फोर्स से बनने वाली कोई भी आकृति ही क्या कहलाती है, स्ट्रक्चर कहलाती है। फिजियोग्राफी उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर हो गई। तो हम देखेंगे अभी इंडिया के बारे में। हमने पढ़ लिया था कि उसके अंदर क्या होता है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, फॉर्मेशन ऑफ एंडो गंगेटिक प्लेन, इसके अंदर इंडस का भी प्लेन आता है, वो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। कंसिक्वेंस मूवमेंट है ये इंडियन प्लेट के। पहले हमें पता है कि इंडियन जो प्लेट थी ना, वो किसका पार्ट थी। इंडियन प्लेट ओशन प्लेट का पार्ट थी। किसका? ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट थी। लेकिन हम मैंने आपको बताया था कि वो क्या हुआ, कंटिन्यूअसली मूव करता गया। 71 मिलियन से इंडिया मूव करने लगा था, और मूव करता करता कहाँ पहुंच गया, ये जैसे यहाँ है तो पहले इक्वेटर था, तो यहाँ पे ऐसे नीचे था। तो ये जब नीचे था तो ये किसका पार्ट था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था। फिर ये कंटिन्यूस से ऐसे मूव करता गया, ऐसे मूव करते करते आज वो यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंच गया मतलब कैंसर पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये इसकी थी मूवमेंट, थी इंडियन प्लेट की। तो ये इंडियन प्लेट यहाँ तक पहुंच गया। अब इससे क्या हुआ कि हिमालय की फॉर्मेशन बनी, इंडो गंगेटिक प्लेन बना, अरेबियन सी का फॉर्मेशन हुआ, डेकन प्लेट्यू बना। तो ये सारी किसके अंदर होती है, टू टाइप के फोर्सेस लगती है, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। अगर आप लोग इस चीज को समझ लोगे, जो अपनी सेकेंड बुक है फंडामेंटल की, उसके अंदर डीपली इन चीजों को बताया गया है, इनको समझोगे तभी अपन को पता चलेगा कि फीचर्स कैसे बनते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, ये इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है। तो चलिए, यहाँ तक अपन ने अपना रिलीफ्स फिजियोग्राफी हमने समझ लिया क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। इसने बताया हुआ है, इट इज प्राइमरी थ्रू द इंटरप्ले ऑफ दीज एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। कौन सी? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडो होती है इंटीरियर अर्थ से लगने वाली, इंटीरियर अर्थ से लगने वाली फोर्सेस, मतलब अर्थ के अंदर से लगने वाली फोर्सेस। जैसे कि अर्थक्वेक कहाँ आता है, अर्थ के अंदर से आता है। वॉल्केनो इरप्शन कहाँ होता है, अर्थ के अंदर से होता है। तो इनके कारण जो भी क्या होता है, मोस्टली हम मेनली हम मानते हैं जो प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस है, प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि दो प्लेटें होती है, वो टकराती हैं आपस में, या फिर क्या होती है, दूर हटती है, तो उनके बीच में क्या होता है, फॉल्टिंग होता है, फॉल्ट्स बन जाते हैं, फोर्स बन जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस किसके अंदर आती है, एंडोजेनिक के अंदर आती है। एक्सोजेनिक की हम बात करें तो एक्सोजेनिक में क्या आ जाता है, फिर यहाँ पे डेन्यूडेशनल प्रोसेस आ जाती है, डेन्यूडेशनल प्रोसेस आ जाती है। जैसे इसके अंदर हम बात करें विदरिंग की, विदरिंग बात करें इरोजन की, और हम बात करें किसकी, विदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये जो चीजें हैं, ये हैं अपनी एक्सोजेनिक प्रोसेस, जो भी इससे फॉर्मेशन बनेगी, और ये हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस से क्रिएट हुई है। अब आगे देखिए क्या कहता है ये, कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। लैटरल मूवमेंट, लैटिट्यूडनल मूवमेंट लेके चलना, ये लैटिट्यूडनल मूवमेंट है इसका, ऐसे जो खिसका होगा इनके अंदर। दैट द प्रेजेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और जियोमॉर्फिक प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, ये चीजें क्या है, इनके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जियोलॉजिकल के अंदर हम देखते हैं ना मेनली, तो ये क्या होता है कि अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस लगता है, जो पावरफुल टेक्टोनिक फोर्सेस लगते हैं अर्थ के अंदर से, वो क्या होते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब जियोमॉर्फिक का मतलब समझिए क्या है, जियो मोर्फो लोजी, ठीक है। लोजी का मतलब तो सबको पता ही होता है, वर्णन करना होता है, क्या होता है, एक्सप्लेन करना उसको। मोर्फो होता है मतलब उसकी आकृति या रूप,
अब किसका जियो मतलब पृथ्वी के रूप का जो वर्णन होता है वो किसके अंदर होता है, जियोमोर्फोलॉजी के अंदर होता है। तो इससे आपको समझ में आया कि अर्थ है, अर्थ पे जो भी माउंटेन वेलीज वगैरह बनी है, वाटर बॉडीज जो भी है, इन सभी की स्टडी किसके अंदर होती है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर। एक्टिव इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये दोनों चीजें एक्टिव रही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, कैम इन टू एग्जिस्टेंस, और फिर ही जो भी फीचर आज हमें देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, वो सारी किसके कारण रहती है, इसी के कारण रहती है। अब देखिए, बेस्ड ऑन वेरिएशन इन इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन, जियोलॉजिकली जो भी प्रोसेस हुई है उसके कारण जो भी स्ट्रक्चर बनी है, फॉर्मेशन हुआ है, उसके बेस पे इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री जियोलॉजिकल डिवीजन। कितनी जियोलॉजिकल डिवीजन में इंडिया को डिवाइड किया गया है, थ्री। कौन कौन सी? पेनिनसुलर ब्लॉक। अब हम देखते हैं इंडिया के बारे में, जैसा बने तो एक बार समझने के लिए काफी होगा। ठीक है, बन गया ना लमसम। तो देखिए, ये यहाँ का है ना, ऐसे से जो पार्ट होता है ना, ये सारा पार्ट किसका है? पेनिनसुलर ब्लॉक है। क्या है? पेनिनसुलर ब्लॉक। तो ये फर्स्ट अपना पेनिनसुलर ब्लॉक हुआ। इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे कि कहाँ से, मतलब एक इसकी लाइन होती है कि अरावली से जाता हुआ दिल्ली से जाता हुआ इधर आता है, मालदा गैप आता है यहाँ पे। तो ये सारी एक बाउंड्री हम पढ़ेंगे, जिससे अपन को पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी समझिए, इसने बताया कि हमने थ्री टाइप्स में, थ्री जियोलॉजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया है इसको। किसके बेस पे? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन के बेस पे, इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं उसके बेस पे। तो अब आगे आता है द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, मतलब ये हिमालयाज है, ये हिमालयाज की रेंज है। तो यहाँ पे क्या है? माउंटेन्स है। तो इन माउंटेन्स की रेंज प्लस यहाँ भी काफी माउंटेन्स है, यहाँ भी माउंटेन्स है, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे सेकेंड पॉइंट में। फिर आता है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र। इंडो से आता है इंडस, जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी, उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। फिर गंगा का जो प्लेन आता है उसके बारे में, ये इतना इतना गंगा का प्लेन होता है, फिर यहाँ से किसका? ब्रह्मपुत्र का प्लेन होता है, और ये इधर वाला पार्ट किसका होता है? इंडस रिवर का। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? थर्ड में पढ़ेंगे। तो अभी हम अपना चैप्टर टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पेनिनसुलर ब्लॉक। तो देखिए, द बाउंड्रीज ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक, मैंने आपको बताया कि हम इसकी बाउंड्रीज देखेंगे, तब हमारे लिए ये पेनिनसुलर जो ब्लॉक रहेगा उसकी एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, द नदर्न बाउंड्री, मतलब ये इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, जैसा भी बना है ना, समझ लो लमसम शेप बन गई है, नहीं भी बनी है तो भी मान लीजिए बन गई है। मतलब ऐसा ही होता है ना, कोई भी परफेक्ट नहीं होता मैपिंग में, होता है उसके लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो मैपिंग में परफेक्ट होता है एकदम। तो नदन जो बाउंड्री है उसकी, ये बाउंड्री वो कहाँ से है? पेनिनसुलर ब्लॉक में बी टेकन एज ए एन इरेगुलर लाइन मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट रनिंग फ्रॉम कच्छ, कच्छ से शुरू होती है, द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अरावली। अब यहाँ पे जो अरावली है इसके वेस्टर्न फ्लॉक से होती हुई जाती है, नियर दिल्ली, यहाँ दिल्ली आ गया, तो दिल्ली के नियर से, एंड देन रफली पैरेलल टू यमुना एंड गंगा एज फार एज द राजमहल हिल्स, छत्तीसगढ़ में आती है। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ से आती हुई ऐसे आती है, तो छत्तीसगढ़ में आती है। फिर एंड गंगा डेल्टा, तो ये गंगा डेल्टा आ गया है यहाँ पे, ये गंगा यहाँ पे क्या बनाती है? डेल्टा। तो ऐसे करके ये बाउंड्रीज एक क्रिएट होगी यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कार्बी एनलोंग, ये आता है असम में। कहाँ आता है? असम में। एंड मेघालय प्लेटू कहाँ आएगा? मेघालय में ही आएगा। तो ये जो इधर का रीजन है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेघालय हो गया और इसके ऊपर असम हो गया। तो असम में क्या था? कार्बी एनलोंग। क्या था यहाँ पे? कार्बी एनलोंग। और ये मेघालय हो गया, तो इसने क्या बताया? देखिए, द कार्बी एनलोंग एंड मेघालय इन द नॉर्थ ईस्ट एंड राजस्थान इन द वेस्ट आर द ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ द ब्लॉक। अभी तो अपन ने पहले कहाँ का देखा था? देखिए, नदन बाउंड्री देखी थी, कहाँ से शुरू होती है? कच्छ से शुरू होती है। फिर ये अरावली रेंज आ गई, अरावली के वेस्ट से होती हुई दिल्ली के नियर से होती थी राजमहल हिल्स, क्या? हाँ,
राजमहल हिल्स, वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा ये हिल्स कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ये यहाँ से होती हुई, राजमहल हिल्स से होती हुई गंगा डेल्टा में आ जाती है। ये तो इसने क्या बताई है? नदन बाउंड्री बताई है। क्या बताई है? नदन बाउंड्री। अब इसने बताया है कि ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट में इसने बताया है कि जो असम में क्या है, कार्बी एनलोंग है, उसके बाद मेघालय में मेघालय जो प्लेटू है, ठीक है, वो इसकी क्या कौन सी बाउंड्री बना रहा है? वेस्ट ईस्टर्न बाउंड्री बना रहा है। और वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न कौन बना रहा है? राजस्थान में इसकी बन रही है, राजस्थान में इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बन रही है। तो ये इसका एक ब्लॉक तैयार हो गया ऐसे। फिर देखिए, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स आर सेपरेटेड। अब जो नॉर्थ का और ईस्ट का पार्ट है, ये नॉर्थ का पार्ट हो गया इतना इतना, और ये ईस्ट का पार्ट हो गया। तो ये जो सेपरेट हो रहा है ना, देखिए ध्यान से ये पार्ट देखिएगा, ये पार्ट और ये पार्ट जो सेपरेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल से जस्ट ऊपर एक क्या है, मालदा गैप है। क्या है? मालदा गैप। तो ये इससे सेपरेट हो रहा है। क्या सेपरेट हो रहा है? नॉर्थ पार्ट और ईस्ट पार्ट। तो कह रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय मालदा फोर्ट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम द छोटा छोटा नागपुर प्लेटू। अब वेस्ट बंगाल के साइड क्या है? छोटा नागपुर प्लेटू। और कहाँ? मालदा गैप कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वहां से लेके छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है, ये देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू बिहार की साइड। तो यहाँ पे आके क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक वेस्ट बंगाल से लेके छोटा नागपुर तक सेपरेट हो जाते हैं। द पेनिनसुला इज फॉर्म्ड एसेंशियली बाय ए ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ है वेरी एंशिएंट नाइस एंड ग्रेनाइट्स। अब ये बोला है कि ये जो अपना पेनिनसुलर पार्ट हमें जो दिख रहा है, देखिए ये यहाँ से कच्छ से शुरू हो रहा है, आपको पता है, इसने बताया है अरावली के वेस्ट से होते हुए जो दिल्ली होते हुए ऐसे घूमते आता है यहाँ पे, है ना, और बीच में क्या है, मालदा गैप आ जाता है, और ये भी इसी का पार्ट है, इसका पेनिनसुलर का। तो फिर देखिए इसके बाद में इसने बताया कि ये जो फॉर्मेशन पेनिनसुलर की जो फॉर्मेशन बने वो किससे बनी है? नाइस से एंड ग्रेनाइट से बनी। किससे बनी है? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों याद रखिएगा। किससे बनी है? ग्रेनाइट और नाइस से, जो भी आप बोलते हो इसको, ठीक है, बहुत पहले एंशियंट में, पुराने समय में। सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड, कौन से पीरियड पे? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कैम्ब्रियन पीरियड पे। कौन से पीरियड से? कैम्ब्रियन पीरियड से। द पेनिनसुलर हैज बीन स्टैंडिंग, ये जो पेनिनसुलर है ना, एज ए रिजिड ब्लॉक की तरह खड़ा हुआ था वहां पे। और फिर क्या है? विथ द एक्सेप्शन ऑफ सम ऑफ इट्स वेस्टर्न कोस्ट। कौन सा कोस्ट? वेस्टर्न कोस्ट, जो नीचे आता है ना ये कोस्ट, तो वेस्टर्न कोस्ट विच इज सबमर्ज बीनीथ द सी। ये पूरा कोस्ट कहाँ सबमर्ज था? सी के नीचे सबमर्ज था। एंड सम अदर पार्ट्स चेंज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल बेसमेंट। जो ओरिजिनल उसका बेसमेंट था उसको तो इफेक्ट नहीं किया, लेकिन ऊपर जो उसके अंदर फीचर स्ट्रक्चर्स बनी वो किसके कारण बनी? टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण। इस रीजन में जो भी फीचर्स बनी किसके कारण बनी? टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बनी, लेकिन उसका जो बेसमेंट था, उसका जो आधार था, वो नहीं बदला, उसको बिल्कुल भी उसने अफेक्ट नहीं किया। एज ए पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, मैंने आपको पहले ही इसी वीडियो में शुरू में ही मैंने बता दिया था कि जो इंडिया था अपना, वो किसका पार्ट था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था। और इंडिया कंटिन्यूअसली नॉर्थवर्ड मूव हो रहा है, उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या बोल दिया है हमने कि अब ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो अलग हो गई है और इंडियन प्लेट अलग हो गई है। तो देखिए, एज ए पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल मूवमेंट्स। कौन से वर्टिकल मूवमेंट्स हो रहे थे? कौन से मूवमेंट्स हो रहे थे? वर्टिकल मूवमेंट्स। ऐसे मूवमेंट्स क्या होते हैं? वर्टिकल मूवमेंट्स होते हैं। तो प्लेटों में वर्टिकल मूवमेंट्स हो रहे थे। एंड ब्लॉक फॉल्टिंग, जो भी ब्लॉक्स थे उसके अंदर क्या हो रही थी? फॉल्टिंग हो रही थी, ठीक है, दरारें आ रही थी उसके अंदर। द रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा तापी एंड महानदी एंड सतपुरा ब्लॉक माउंटेन आर सम एग्जाम्पल। अब क्या बताया इसने कि यहाँ पे नर्मदा तापी और महानदी जो है वो क्या कर रही है? वैली बना रही है, रिफ्ट वैली बना रही है, ठीक है। मोस्टली नर्मदा और तापी का रिफ्ट वैली के लिए आता है। तो वो रिफ्ट वैली कब बनेगी? जब ये एक ब्लॉक है,
तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा तो इसके अंदर ये जो वैली बनी है इसको कहते हैं रिफ्ट वैली। तो ये जो रिफ्ट वैली कौन बनाता है, नर्मदा तापी और महानदी के नियर बनती है। सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन बना है जहाँ पे इसके अंदर डिपॉजिट होता गया, तो आसपास के ये जो माउंटेन्स बने वो सतपुड़ा की रेंज बनी है। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो देखिए थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये आपका छोटा नागपुर पठार हो गया और यहाँ पे आप समझिए मालदा गैप है, और ये प्लेटी हो गया आपका मेघालय का। और इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो असम में क्या है, कार्बी एनलोंग। तो कार्बी एनलोंग और मेघालय का पठार अलग होते हैं किससे, नॉर्थ और ईस्टर्न जो पार्ट है उसको अलग कौन करता है, मालदा गैप अलग करता है, जो कि कहाँ है, वेस्ट बंगाल में और छोटा नागपुर से भी। अब देखिए आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, देखते हैं कितना बचा है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन क्रिएट करेंगे। तो क्या कहते हैं, द पेनिनसुलर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रिलिक्ट एंड रेजिड्यूअल माउंटेन्स लाइक अरावली हिल्स, नल्ला हिल्स, नल्ला मल्ला हिल्स, जावेदी हिल्स, वैलीकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, एपी में है ये भी, एपी ठीक है, आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु की साइड है, तमिलनाडु की साइड, और ये भी इधर ही है तमिलनाडु। अरावली हिल्स तो पता ही है कहाँ है आप लोगों को। और बात करते हैं नल्ला मलाई की, तो ये भी एपी में ही है, और ये कहाँ आ जाता है, उड़ीसा में, मतलब पास पास के ही भाग है सारे। तो ये हिल्स क्या किसके कारण बनी है, पेनिनसुला में जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई थी ये हिल्स सारी उसके कारण बनी है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, चैप्टर का, चैप्टर नहीं, चैप्टर का एक पार्ट। उम्मीद करती हूँ इसी तरीके से आप लोग समझते रहेंगे साथ साथ, और आपको पेनिनसुलर ब्लॉक तो पता चले गया होगा कितना ब्लॉक बनता है, ये वीडियो में मैंने दिखाया अच्छे से। एक बार समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको वापस से अपन देखेंगे थोड़ा बहुत, मैं वैसे बता दूंगी आपको बाउंड्रीज वगैरह तो एक बार वैसे भी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और देखिए गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जो SST सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को सेकेंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो मैं बकायदा आपको बताती हूँ बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डायरेक्ट इन बुक से पूछे जाते हैं। मोस्टली जो फंडामेंटल की बुक है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिमालयाज के अभी रिसेंटली ना दर्रे आए थे, क्या आए थे, पासेज आए थे। तो मतलब जिसने ये बुक अच्छे से पढ़ी है ना उनके लिए बहुत अच्छा था, और जिसने टेम्परेरी पढ़ाया है या फिर यूं ही किया है तो उन्हें तो ये पता भी नहीं होगा कि ये चीज कहाँ से उठाई गई है। लेकिन आप ध्यान रखिए अभी यहाँ से मेरे साथ साथ चलते जाएंगे तो एक एक चीज को मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूंगी कि ये कहाँ है, तो आपको मैप भी एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। तो कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।